हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अदितिज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं आज क्या क्या की हूँ लंच के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बस फटाफट उसी पे जाती हूँ। तो देखिए आप लोग, मैं बना रही हूँ सत्तू वाला लिट्टी जो हम दही के साथ खाएंगे, और ये फ्राई मैंने किया हुआ है, फ्राई कर रही हूँ अभी। तो सत्तू वाला लिट्टी है। दूसरा चीज मैं इधर बना रही हूँ अप्पे में भी, सत्तू वाला लिट्टी ही मैं बना रही हूँ, इसको इसमें डाल रही हूँ। तो हमारे घर में कई लोगों को क्या बोलता है फ्राइड नहीं पसंद है, तो उन लोगों के लिए मैं ये इसमें मैं बनाऊँगी, बाकी और लोगों के लिए मैं इसमें बनाऊँगी फ्राइड वाला। और इधर देखिए मैंने इसका भरा हुआ अभी इतना है, तभी और मैं भरूंगी। और इसमें देखिए मैंने आटा गूंद लिया, कड़ाही गंदा था इसलिए मैंने इसी में गूंद लिया। दूसरा चीज़ मैं देखिए भुट्टा उबाल के रखी हूँ, तो ये भी हम लोग खाएंगे सत्तू वाला लिट्टी के साथ ही। और अलग तरह का हम लोग खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। साथ ही देखिए हमने ये मोची वाला जो चाय में बनाती हूँ, जब भी भुट्टा लाती हूँ तो इसका बाल से मैं चाय बनाती हूँ, तो वो भी मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो हम लोग पियेंगे एक एक कप। और बाकी मैं दिखाऊंगी कि और मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग आज के लंच में, संडे का लंच में, क्योंकि आज तो संडे है ना, तो संडे को तो लोग वीकेंड एंजॉय करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या क्या बना रहे हैं अपने लिए घर में लंच। हम लोग तो आज सिंपल यही रखे हैं लंच में, क्योंकि रोज़ रोज वही रोटी सब्जी दाल भात सब खा खा के हमें बोर हो रहा है। तो थोड़ा सा चेंज हम किए हैं, सीधा नाश्ता में सब आज लोग दूध कॉर्नफ्लेक्स खाए हैं। और तो मैंने सोचा कि चलो आज इस तरीके का मैं लंच सीधा नाश्ता कहता ना ब्रंच, ब्रंच ही मैं बना रही हूँ। तो मैं वीडियो भी बना रही हूँ खड़ा खड़ा, और मैं अपना ये जो होता है ना सत्तू वाला वो भी मैं भर रही हूँ साथ ही साथ, दोनों हो जाएगा एक साथ, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में खाना लेट हो जाता है। तो मैं भी जल्दी जल्दी देखिए किस तरीके से, जो लोग को सत्तू वाला लिट्टी नहीं बनाने आता उनको भरने का तरीका तो मैंने अपने रेसिपी में डाला हुआ है। इस तरीके से थपकी देकर बनाती हूँ लिट्टी। अब चाहे तो इसका पराठा का भी साइज कर सकते हैं, पराठा की तरह भी। देखिए मैंने डाल दिया तेल में, अब मैं दूसरा पीस बना रही हूँ। नहाते धोते संडे के दिन लेट हो जाता है बहुत, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है गाय, तो हम लोग लेट ही उठते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ मतलब नाश्ता खाना ये सब नहीं करती हूँ, सीधा लंच जो होता है ना नाश्ता के बीच ब्रंच उसी तरीके का मैं बस तैयार कर देती हूँ फटाफट। तो देखिए मेरा अभी ये बन के इतना रेडी हो गया है, अभी और मैंने डाला इसमें, और ये भी मैं अभी बना रही हूँ। तो अगर आप लोग भी डीप फ्राई करना नहीं चाहते हो तो इस तरीके से हमारा बिहार का तो सत्तू का लिट्टी आग पर ही बनता है, कब शहर में आग खोजना मुश्किल, मतलब इस तरीके का जो जलावन होता है ना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरह के अप्पे के मशीन मतलब जो होता है ना अप्पे का जो बर्तन, उसी में आप गैस पर भी आग वाला मतलब वो फिर ला सकते हैं टेस्ट। तो ये वाला जो सत्तू का लिट्टी मतलब जो बनता है बिना तेल का ऊपर से, बाद में बनने के बाद घी लगा लें इसमें अच्छे से, जिनको अगर घी पसंद है। तो मुझे जब भी इस तरह का सत्तू का लिट्टी खाने का मन करता है गाइस, मैं इसी में बनाती हूँ, डीप फ्राई कभी कभी इस तरीके से। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अप्पे के मशीन में जो मतलब बनता है, जिनको जलावन पर मतलब मुश्किल होता है बनाने में, शहर में तो जलावन खोजना थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए गाइस मैंने तो अपना प्लेट दही और सत्तू का लिट्टी दोनों तरह का ले लिया बना लिया, अब मैं जा रही हूँ खाने। तो देखिए मेरा सत्तू वाला लिट्टी तैयार हो चुका है, मैं जा रही हूँ खाने के लिए। आप लोग भी अपना लंच कीजिए और एंजॉय कीजिए, मैं आज सत्तू वाला लिट्टी ही खाऊंगी।
अब भुट्टा शाम को मैं खाऊंगी, मिलूंगी अब अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।